हेलो, वेलकम बैक। बहुत स्वागत है आपका ड्रीम हाउस प्लान में। आज के अंक में हम बहुत ही अच्छा आपके लिए एक प्लान लेकर आए हैं। इस प्लान को देखें तो आज के समय में हो क्या गया कि लोगों को छोटे से जगह में, बिल्कुल इसकी मैं डायमेंशन की बात कर लूँ तो ये ओनली जो है 20 फीट, ये ओनली 20 फीट, एंड लेंथ की बात करें इस प्रकार से तो ओनली 40 फीट, अर्थात ये टोटल जो है 800 स्क्वायर फीट, इसकी टोटल एरिया हो जाती है 800 स्क्वायर फीट। 800 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ प्लान है। किस प्रकार से प्लान बना हुआ है, आइए हम एक एक करके इसे बिल्कुल शुरू से जानने का प्रयास करते हैं। ये देख लीजिए, ये इसका सामने का भाग है, फ्रंट व्यू, जिसकी चौड़ाई हमने बताया कितनी, इसकी चौड़ाई है 20 फीट, ये 20 फीट, हालांकि इस प्लान में भी इसकी मेजरमेंट यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख लें ये 20 फीट है और ये 40 फीट है। यहाँ से फ्रंट है, यहाँ से इसका ये मेन द्वार है। आप यहाँ से मेन गेट से जैसे अंदर आते हैं ये आपको लिविंग एरिया मिल जाते हैं, जिसकी चौड़ाई यहाँ पर दी गई है, ये देख लीजिए 10 फीट, इसकी चौड़ाई जो है 10 फीट ली गई है, ये लिविंग एरिया, इसकी लंबाई अच्छी खासी ली गई है। और इसी लिविंग एरिया से आपको देख लें, इस लिविंग एरिया से देखें आपका किचन लगा हुआ है, डाइनिंग और लिविंग एरिया दोनों का ये जो है सेप बिल्कुल एक है, ये बिल्कुल एक है। यहाँ से यहाँ तक देख लें कि लिविंग एरिया और डाइनिंग का जो सेप आपको दिख रहा है ये लगभग 18 फीट में है, ये 18 फीट है, ये मतलब एक बड़ा सा एरिया है, 180 का ये बना हुआ है और इसका डाइनिंग एरिया लगा हुआ है। और यहाँ पर इसका रसोई घर है, रसोई घर की चौड़ाई की बात कर लेते हैं, 8 फीट ये चौड़ा है, 10 फीट ये, टोटल 18 हुए और 2 फीट इसके वॉल में कट जाएंगे, इसे भी इसमें काउंट कर लिया गया है, तो 2 फीट वॉल में कट जाएंगे। अब ये लिविंग एरिया, रसोई घर, आपके अंदर में चले आते हैं यहाँ लॉबी, ये लॉबी है और आपको ठीक यहाँ से बगल में देख लीजिए सीढ़ी मिल जाती है। सीढ़ी का निर्माण किस प्रकार से दिया गया है ये देख लीजिए, यहाँ से इधर से आपको फ्रंट में यहाँ से ऊपर होना है और यहाँ जाके ये रेस्ट है, रेस्ट के बाद फिर टर्न लेके आप यहाँ से सीधे ऊपर मतलब फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच सकते हैं इजी वे में। ये लिविंग एरिया से ही कनेक्ट है, यहाँ डाइनिंग एरिया है, लिविंग एरिया है, रसोई है, लॉबी है, लॉबी से यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट दिया गया है, कॉमन टॉयलेट अर्थात इसको सभी लोग यूज कर सकते हैं, आप भी यूज कर सकते हैं, बाहर यदि गेस्ट आपके आए हुए हैं तो वो भी इस टॉयलेट को यूज कर सकते हैं। टॉयलेट इसी प्रकार का होना चाहिए कि आपको आउटडोर व्यक्ति भी इसे यूज कर पाए, तो यहाँ एक टॉयलेट यहाँ कॉमन दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा दिया गया है। अंत में लॉबी के अंत में यहाँ पर आपको एक बेडरूम दिए गए हैं, इस बेडरूम को देखें तो इसकी लंबाई चौड़ाई जो है सिंपल रखी गई है, मैंने सामान्य, वरना बहुत बड़ा साइज का रूम है नहीं, बहुत छोटा साइज का, ये यहाँ से यहाँ तक ये 11 फीट है और यहाँ से यहाँ तक ये 10 फीट है। स्क्वायर फीट की बात करें तो 110 स्क्वायर फीट के एरिया में ये बना हुआ है। आपको एक टॉयलेट इसमें एक अटैच दिया गया है, एक लैट्रिन बाथरूम इसमें अटैच दिया गया है, यहाँ देख लीजिए 7 फीट चौड़ाई है। यदि आपको अटैच्ड की आवश्यकता नहीं है तो आप यहाँ रूम की साइज को बड़ा भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखें ये 1 BHK बहुत ही अच्छा प्लान बना है, ग्राउंड फ्लोर बना है, आपके पास यदि 20 और 40 से, हाँ तो ये था ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान। इसी प्लान में ये ग्राउंड फ्लोर, इसी फ्लोर में जब हम ऊपर चले आते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, आइए हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं और ऊपर का प्लान देखते हैं, इसी पिक्चर में है, आप थोड़ा सा वेट करें। आप जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो ये देख लीजिए, ये जो प्लान है ये फर्स्ट फ्लोर का है, आप जैसे ही सीढ़ी से ऊपर आ गए तो आप आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर, जैसे फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो सीधा आप अपने हॉल में प्रवेश कर जाते हैं। हॉल में ये लिविंग एरिया है, यह आपका हॉल है, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा से सब कुछ अरेंजमेंट है, सोफा वगैरह अरेंजमेंट है, लिविंग एरिया यहाँ पर चाहे तो आप सिंगल बेड लगा सकते हैं और यहाँ पर आपको एक बालकोनी भी दी गई है बाहर में, ये आपको बालकोनी दी गई है, इस बालकोनी से आप बाहर के दृश्य को देख सकते हैं। ये फ्रंट में बालकोनी दी गई, ऊपर आने के बाद में ये हॉल, ये लिविंग एरिया, ये बालकोनी, ये लॉबी है, ये नीचे वाले ही स्ट्रक्चर पे बना हुआ है, ये आपका एक कॉमन शौचालय है, ये आपको रूम मिल जाता है, रूम से लगा हुआ एक शौचालय मिल जाता है। तो आप देखिए कि इस प्लान में फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों मिला के जो है ये 800 स्क्वायर फीट ही है, लेकिन ये ऊपर नीचे बिल्कुल इस प्रकार से बनाया गया है कि एक फैमिली इसमें इजी वे में रह सकती है। धन्यवाद।